पंजाब की जीत के बाद पूरी देश में आम आदमी पार्टी की जो आंधी चली है, जब देश के अलग अलग हिस्से से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में अरविंद केजरीवाल की लाखों लोगों की सभाएं हो रही हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन मिल रहा है, पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है। हम मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है, या जब थोड़ी बहुत नींद आती है तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल भूत की तरह उनके सपनों में आ जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी भूत की तरह उनके सपनों में आ जाते हैं, तो फिर वो सुबह सुबह उठ के अपने सारे नेताओं को कहते हैं, सारे मंत्रियों को कहते हैं, सारे नुमाइंदों को कहते हैं, भाई इस केजरीवाल की सरकार के कामों को किसी तरह से बंद कराओ, इस केजरीवाल की पार्टी के कामों को किसी तरह से बंद करवाओ, वरना मुझे नींद आनी बंद हो जाएगी। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, अगर अरविंद केजरीवाल जी आके भूत की तरह नाचते हैं आपके सपनों में, तो आप नींद की गोली ले लीजिए ना। वो तो सिंपल सा समाधान है। क्यों अपनी खिलनी उड़ा रहे हैं, क्यों ऐसा डेटा सामने रख रहे हैं जो आधे घंटे में गलत साबित हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश के लोगों को अगर कोई एक उम्मीद दिखती है एक बेहतर जिंदगी की, एक बेहतर सरकार की, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की, तो वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल।